है गई पूजा संपन्न लल्ला। अच्छा तेरे पिता का फर्ज निभा दो। और एक बात समझना यार, यहाँ में जिस रास्ते पे तू चल रहा है वो जा किधर कुरो? जब पिता धर्म कहाँ खत्म है रो और पति धर्म कहाँ शुरू है रो, कुछ समझ ना आ रो। तू तो श्राद्ध कर चुको हो तो बाखो प्रसाद। प्रसाद ले। हाथ आगे कीजिए तिवारी जी, प्रसाद ले लीजिए। जी आप क्या कर रहे हैं? सजा दे रहा हूं अपने आप को। पिता बनकर अनुष्ठान करने के लिए मुझे पति बनकर तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ा, इसलिए अपने हाथ को सजा दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी का श्राद्ध कर चुका हूं और मेरे लिए मेरी पत्नी मर चुकी है। सब मत कीजिए तिवारी जी, रुकिए। रुक जाओ वहीं पर। एक पे कदम आके मत पढ़ाना, तुम्हें तुम्हारे पेट में पल रहे अंश की कसम। जी जी आप चुप काहे खड़ी है, रोकिए ना तिवारी जी को। रुक जाइए तिवारी जी। पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, अपने साथ साथ बाकी सबको सजा क्यों दे रहे हैं आप? माँ कहती ना आप अपने आप को इनकी, तो एक माँ अपने बेटे को ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकती है? रोकिए उनको, कुछ बोलिए। बस कर लल्ला, सुन लो तेने, तू कछु भी करे बातें तो हमें सुननी पड़े। लोगन को लगा है कि हमने भड़काओ तुझे ये सब करने के लिए। छोड़ दे लल्ला, छोड़ दे तो हमारी कसम। संभालिए अपने आपको। सुनिए चलिए आप अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। नहीं ठीक है ना भैया, तुम जाओ जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जाओ जल्दी। जरूरत नहीं मुझे इन सब चीजों की, ले जाओ इसको वापस। ए बस कर लल्ला, करवाए ले जो कर रही बा। बैठ, चल इधर बैठ। खबरदार जब फिर तैने कभी अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो हम आओ मरो मुंह देखे को तू। सुनिए आप अंदर चलिए प्लीज, चलिए।
जिस लड़की को हम दिया लेके गली गली ढूंढ रहे थे वो तो हमारी आंख के सामने खड़ी है। सच में बंसी वाले की लीला अपरंपार है। अब आवे की ऊंटनी पहाड़ के नीचे। राधे राधे। तिवारी जी को इस तरह तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ हो गई नव्या। उन्हें जो कहना है हमसे कहे, और अपने आप को इतनी तकलीफ काहे दे रहे हैं वो। आप पहली बार दीदी से पानी पीजिए। और सुनिए, आप ऐसे उदास मत हो। आप जानती हैं ना, स्ट्रेस बेबी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जाने कितनी नफरत भरी है तिवारी जी के मन में हमारे वास्ते। नहीं हम कभी चिन्नप्रत मिटा भी पाएंगे कि नहीं। आप ऐसे हारने वाली बातें कैसे कर सकती हैं? हाँ, ये लड़ाई जीतनी है आपको। इनफैक्ट कितनी हद तक तो आप जीत चुकी हैं। आपने देखा ना, पापा जी ने कैसे अपनी जिम्मेदारियां संभाली। हाँ, ये तो आपकी जीत की शुरुआत है। और देखना, जिस दिन बुआ जी की असलियत उनके सामने आएगी ना, जो बची कुची दूरियां हैं ना, वो भी मिट जाएगी। आप रोइए मत, हिम्मत मत हारिए बस। सुन, अब बात छोड़ी ना चाहिए हमें। माओ काम हैगा। अब जिस लड़की की फोटो हम तो भेज रहे हैं, बाकी पूरी कुंडली निकाल के हमें भेज। जैसे ही पता चला है फोन कर हमें। हाँ, राधे राधे। अरे अम्मा जी, ये सब क्या कर रही हैं आप? इस जाए का वह चराग तले अंधेरा। जिस लड़की को हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे वो हमारी आंख के नीचे बैठी है, बिल्कुल हमारे लल्ला की बगल में। जो रेनू को घायल करना है ना, तो वृंदा से अच्छा तीर कहाँ मिलेगा हमें? ये समझ लो कि अपने लल्ला के वास्ते जो लड़की हम ढूंढ रहे थे वो वृंदा के रूप में हमें मिल गई। आराम से। गाड़ी में बैठो। तुमसे कहा था ना, डॉक्टर के पास मैं लेकर जाऊंगा। आओ। सुना नहीं क्या कहा मैंने? गाड़ी में बैठो। आप रहने दीजिए, हम खुद ही चले जाएंगे। चलो। रेनुका, नखरे करने बंद करो और चुपचाप गाड़ी में बैठो। तुमसे कहा था कि डॉक्टर के पास मैं ही लेकर जाऊंगा, मतलब मैं ही लेकर जाऊंगा। चलो। बच्चे के साथ तो चल पड़ेंगे आप, लेकिन का पता फिर बाद में पत्नी के साथ चलने के लिए खुद को फिर से सजा दें, फिर से खुद को चोट पहुंचाने लगे। जो फैसला तो आपको करना पड़ेगा तिवारी जी। आपका अंश हमारे पेट में पल रहा है, तो जब जब आप बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे या उसका ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं साथ में हमें भी खड़ा पाएंगे। और हम नहीं चाहते कि पिता की जिम्मेदारी निभाते हुए पिता की खुशी के बजाय पिता का दर्द शामिल हो उसमें। आपको क्या लगता है, आपके हाथ से ये खून बहता देखकर हमें या आपके बच्चे को अच्छा लगा होगा? हमारे पेट में पल रहा है, और जब तक ये हमारे पेट में है, हमारी सांसों से सांसें जुड़ी है इसकी। जो कछु भी हम महसूस करते हैं
वही ये बच्चा भी महसूस करता है। इसलिए अगर आपको तकलीफ में देखकर हमें दुख होता है तो हमारे दुख से इस बच्चे को भी दुख पहुंचता है। तो ये बात जान लीजिए कि खुद को तकलीफ पहुंचाकर कहीं ना कहीं आप हमें और हमारे बच्चे को तकलीफ दे रहे हैं। चलिए मम्मी जी। बहुत कर ली बड़ी बड़ी बातें, चुपचाप गाड़ी में बैठो। अब तुम घर जाओ। निभाना है निभा लो मामा जी, बहुत जल्दी अम्मा जी आपका ये पति और पिता वाला नाटक हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। सुनो वृंदा, घिया के जितने पकवान बना सकती हो बना दो आज। हाँ, हमारे मामा जी को घिया बहुत 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 ज्यादा पसंद है। जी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखिया अब कलिया। बड़े गाने बने गाए जा रहे। हमारा मन, हम नाचे या गाए उसे तुमको क्या मतलब? मतलब है ना, क्या पता बेचारी आंचल की फिर से शादी करवा रहे, कोई अमीर लड़का मिल गया क्या आंचल की फिर से? खैर अच्छा ही है, इसी बहाने मथुरा जाना हो जाएगा। मथुरा जाए मेरे दुश्मन, शादी तो इसी घर में है, तो हम कहा जाए मथुरा? इस घर में शादी किसकी? अपने माँ। क्या कर रहे हैं तो? टमाटर टमाटर क्यों काट रही है? एक मिनट, क्या बोलने वाली थी? इस घर में किसकी शादी होने वाली है? चौं, तू जो पहुंच रही है बड़ी चौधराइन बन रही है। हम किसी की भी शादी करें, कहीं भी शादी करें, तू हो बे कौन है सवाल जवाब करने वाली? चल इंदु, चल हमारे संग काम है। जबान कछु ज्यादा ही चलने लगी है, अभी पूरा खेल बिगाड़ कर देती हम लोगों का। झांसी की रानी को भनक भी पड़ जाती ना तो फिर हम खेल खत्म कर देते महारानी, समझी? खिचड़ी पकने से पहले ही हांडी फूट जाएगी। इतने खुश थे अम्मा जी, भूल गए, याद ही नहीं रहा। याद रखना पड़ेगा इंदु, जिन्ना प्या परछाई है रेनू की, 24 घंटे साथ चिपकी रहे वहां के बॉडी गार्ड बन के। चाय ते ज्यादा गर्म केतली होवे, ध्यान रख नहीं तो हाथ जला बैठेगी। याद रखेंगे अम्मा जी। इसकी जरूरत नहीं है। ए बेवकूफ, गाड़ी चलानी नहीं आती। अब इसकी जरूरत तो है ना तिवारी जी, इसके लिए मना मत कीजिएगा।
क्या क्या करना पड़ रहा है लाइफ में यार। पहले पैसे कमाओ और फिर चुपाओ, कब तक चलेगा ये? पूरे 1,00,000 है, कहां रखूं इन्हें? अलमारी में रख देता हूं। ऐसे क्यों घबरा रहे हो, जैसे कोई चोरी पकड़ ली हो मैंने तुम्हारी? चोरी? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? कैसी बातें कर रही हो तुम नव्या? अच्छा ओके, हटो, कपड़े निकाल लेंगे तुम्हें। ओफो नव्या, छोटे मोटे काम कर सकता हूँ ना मैं, कपड़े निकाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये मेरा पुराना वाला आदि तो नहीं है? चोरी हुआ क्या? हाँ।